तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सच में बोल रहा हूँ। नहीं होगा, अब भगवान से मना रहे क्या? अरे पीछे खड़ी है, बाय बाय। तो ये काम कर लेगी ना, ऐसे कर दिए। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा डिमो, मेरा बहुत सारा काम है आज, और मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है आज, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ। और आज अपनी मैडम उठ के समझ तो काम वाम करके बैठी हुई है। और क्या क्या की हो? सब कुछ, पूजा सिर्फ पूजा की, बर्तन धोई, फिर जाके चाय बनाई। बस मैं यही चाहता था इससे सुनने की क्या क्या की, मतलब इसको बस इतना बोलते सिर्फ सिर्फ कोई एक चीज का नाम बोल दीजिए, उसके बाद ये पड़ 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 सारा बता देगी, मतलब सुबह से लेके उठ के क्या क्या की है सारा कुछ ये बताएगी। लेकिन सिर्फ इसको एक टोन मारना चाहिए कि एक ही, उसके बाद है कि उसके बाद इसका चालू हो जाता, तुम्हारा रेडियो टेप चालू। खाना भी बना ली मैं, बड़ा चूल स्टाइल से क्यों थी पुष्पा राज झुकेगा नहीं कुछ क्या नहीं, वो तुम्हारा चाल है चूलाला। तो अभी काम करेगी ना ऐसी करती है पुष्पा राज का चाल है इसका, पता नहीं क्या क्या करती है आधे मतलब। तो मैं चलता हूँ फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा है, सभी निकल रहा हूँ जाने के लिए। और आज का मौसम बहुत ही शानदार हुआ है, ना धूप है ना गर्मी है, देखिए धूप है ना बारिश है, तो चलता हूँ। अरे पीछे खड़ी है, बाय बाय। तो चले चलते जो काम से आया था वो अभी हुआ नहीं, टीना लेना था एक्चुअली, तो टीना काट के देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा सेविंग करा लेता हूँ तब तक। तो अभी जा रहा हूँ मंजे की दुकान में, थोड़ा सेविंग करा लेता हूँ, मेरा सेविंग हो गया। और अभी जा रहा हूँ दुकान में, देख लेता हूँ थोड़ा सा टीम वगैरह इकट्ठा कहीं फिट कर गया तो लेके उसको जाना पड़ेगा। तो पहले सर सामान चला गया और ले जा रहा हूँ अभी घर, सामान चला गया तो जा रहा हूँ मैं अभी। और इधर मनीष का दोस्त, की नाम है तुम्हारा? पंकज सिद्धिया। और फैन पूछे कि तुम्हारा बर्थडे चाहिए बुझी कर लेगी और भोपाल ही रुके गया लोग, बर्थडे में गया है, चला गया बर्थडे में निकल गया, बहुत सामान बन रहा है। फिर सभी जस्ट आके पहुंचे में और अभी खाना वगैरह खाया जस्ट आके, और अभी फिर से जाना पड़ रहा है, फिर काम भी लगा हुआ है और कुछ सामान भी शायद कुछ लाया था मैं उसमें कुछ कम हो गया है, अभी फिर जाके देखना पड़ेगा। तो काम में कुछ ना तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जो फिर जाना पड़ता है मुझको, मतलब डिबो वगैरह सामान वगैरह लाने के लिए, तो यार प्रॉब्लम है। और इधर हमारी मैडम बैठ के पूरा देख रही है इधर, और एक कान में क्या डाल रही हो, कान में क्या डाल रही हो दिखा इधर, ये देखिए लकड़ी डाल रही है, इससे तुमको बीमारी हो जाएगा। अरे नहीं डालो इसको, कसम से बीमारी हो जाएगा, मजा आएगा बोल के। तो तुम्हारा कान छोटा है, अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, अंदर रह जाएगा, इतना बड़ा मेरा कान नहीं, टूट के छोटा सा रह जाएगा सच में, छोटा सा लकड़ी से पूरा कान को खोद रही है, अगर कैसे भी करके लग के अगर अंदर कट गया या फिर रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको ऐसे मत करो। नहीं होगा, देखिए हुआ ना, मना कर रहा था ना, हुआ ना कुछ भी मिल जाए। इधर एक खाना बना रही है और चेहरा दिखा दो, पसीना पसीना होके रखो, ये देखिए पूरा पसीना पसीना इसका, और रोटी बना रही है, और हम लोग का ही वीडियो चल रहा है, कौन सा वीडियो, कल वाला चल रहा है ना, और घर वाला हम लोग का ही वीडियो देख रही है, और इधर बना रही है पूरा पसीना पसीना हो गया। फ्रेंड्स हम लोग का थोड़ा ज्वाइंट फैमिली है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही खाना बनता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जो ज्वाइंट फैमिली में रहने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। ये जो फैमिली का जो प्यार होता है ना, जो जो ज्वाइंट फैमिली रहता है उसको पता है, फैमिली का जो प्यार होता है ना वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। और फैमिली को जो छोड़ के रहेगा मतलब वो मतलब आगे मेरे हिसाब से वो उतना खुशी नहीं रह सकता जितना खुशी, मतलब एक सिंगल आदमी नहीं रह सकता जितना फैमिली के साथ खुशी जो मिलता है, जो रह के मिलता है खुशी फैमिली के साथ, वो खुशी कोई मतलब सिंगल रह के नहीं कर सकता है। ये तो बात है कि नहीं, है कि नहीं, बनती है कि नहीं, बनती है। फाइनली फ्रेंड्स आज दिन भर सच में मेरा बहुत सारा काम था और मैं पूरा थक के हालत ख़राब हो गया था मेरा, मैंने डिनर वगैरह कर लिया और बहुत जोरों का नींद लग रहा है, एक्चुअली थकान बहुत ज़्यादा हो गया सुबह से इधर उधर, और धूप है ना, धूप में घूमता आज तो, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन सेकेंड टाइम धूप ज़्यादा हो गया, और फर्स्ट टाइम उतना ज़्यादा धूप नहीं था, 12 बजे के आसपास में धूप नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप हो गया, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ, मतलब डायरेक्ट सन ऐसा हो रहा था ना, जैसे सन डायरेक्ट आ रहा है, बारिश के चलते मतलब ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रही है, क्योंकि बारिश जितना होता है उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ते जाता है। और इसको देखिए ये रात को दो खिल्ली लेके अपना कान में घुसेड़ रही है, कल मना किया था तुमको, फिर से तुम वही काम कर रही हो, इस ये दो अभी एक लगा रही है, पहले तो सुबह एक लगाई थी, अभी दो लगा रही थी, अभी मुझे देख के फेंकी है एक, अभी फेंकी है एक इधर, और अभी फिर से एक से कान खोद रही, इसका मतलब एक कान में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा सच में बोल रहा हूँ।
नहीं होगा। अब भगवान से मना रहे क्या? भगवान से क्यों मनाऊंगा मैं, मेरा ही पैसा खर्चा होगा, कुछ भी होगा तो मैं क्यों मनाऊं? तुम ऐसे कोंचना अच्छा बात है क्या? कोंच रही हो जे? नहीं करना चाहिए, गलत बात है। इसका ये एकदम गलत आदत हो गया, कान में चिढ़ती रहती है, कान खराब हो जाएगा फिर प्रॉब्लम किसको होगा? मुझको ही होगा। ये लेके दौड़ो, इसका लेके जाओ, लेके जाओ, ये करना है सब। अपना शरीर को तकलीफ होगा, मुझको भी तकलीफ होगा और इसको भी तकलीफ होगा। क्या कहें इसको, इसको समझाना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है मेरा, ये नहीं समझ पाई। तो अगर आप लोगों का आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको रोज अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलेंगे फिर से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। देखिए देखिए रोटी बनाते समय ना होता है क्या, कोई ऊपर से इतनी गर्मी। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।